मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ ऐसे ही हालात है। यहां पर भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कुल नए केस 543 सामने आए, जिसमें 38 मरीज कोरोना से मुक्त होकर घर गए हैं। 6 लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,16,854 तक पहुंच गई है। रायपुर की बात करें तो 206 नए केस सामने आए। दुर्ग में 140, राजनांदगांव में 30, बिलासपुर में 30 और कोरबा में 10, सरगुजा में 23, सूरजपुर में 16, जशपुर में 9 नए केस सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भले ही सरकार के लिए चिंता का विषय हो, लेकिन सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन से नुकसान होगा। साथ ही कोवैक्सीन को लेकर भी सरकार के सुर अब नरम दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बाद, जिसके संकेत खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिए। सुनिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना भले ही लोगों को एक बार फिर डराने लगा है, रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आंकड़े चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। सरकार बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाली है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकार नहीं दिख रही है, जिसके संकेत सीएम ने खुद दिए। लॉकडाउन से नुकसान होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो उसके नियम है, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच ना सकें। तो इसलिए ये सब चीज़ ज़रूरी है, इसका पालन करें। लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, आम जनता को परेशानी। यही नहीं, कोवैक्सीन को लेकर सरकार के सख्त रुख में भी नरमी दिखने लगी है। ये वैक्सीन लगा रहे हैं सब लोग, लगाना चाहिए। जब मेरी बारी आएगी मैं भी लगाऊंगा, लेकिन पहले सबको लोग। इससे पहले कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी नरमी के संकेत दिए। उन्होंने ट्वीट किया, बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद कुछ लोगों ने राज्य में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल किए थे। मैं सभी को स्मरण कराना चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में किसी भी क्षण हमारे लोगों के लिए टीके की कमी नहीं हुई है। साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में भी छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर 5 राज्यों में रहा है। हमें हमारे स्वदेशी टीके पर गर्व है, लेकिन सुदृढ़ता से मानते हैं कि इसे सामान्य उपयोग में लाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। अब जबकि DCGI ने कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल चरण से अपग्रेड कर दिया है, हालांकि अभी तीसरे चरण के परीक्षणों का अंतिम डेटा प्रकाशित नहीं हुआ है। हम गंभीरता से उन लोगों के लिए कोवैक्सीन की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं जो इसे चुनना चाहते हैं। प्रारंभ में कोवैक्सीन का उपयोग करके टीकाकरण केवल मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पताल परिसर में एक अलग जगह में लागू किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जैसे ही मैं कोविड से उबरता हूँ और टीकाकरण के लिए योग्य होता हूँ, मैं कोवैक्सीन की अपनी पहली खुराक लेने जाऊंगा। कोवैक्सीन पर सरकार का नरम रुख, जहाँ कोरोना को लेकर राहत की खबर है, वहीं कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय है। सरकार इसके रोकथाम के हर संभव उपाय तलाश रही है, लेकिन कोरोना से बचाव और इसकी रफ्तार पर तभी ब्रेक लग सकता है जब लोग भी शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करें। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।